नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 का आज हम यूनिट 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। तो बच्चों, हमने पिछले यूनिट यूनिट 8 में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। आशा करता हूं कि आपने इनके बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ा होगा और इनके फॉर्मूलाज आपको अभी भी याद होंगे, क्योंकि इन सभी फॉर्मूलाज की बच्चों इस यूनिट में, 9वें यूनिट में भी उन सभी का प्रयोग होगा। बच्चों, 9वें यूनिट में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति हमारे किस किस काम आती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि यह एक बहुत ऊंची इमारत है, बहुत ही ऊंची कोई इमारत है, कोई मीनार है, कोई मकान की बिल्डिंग है, या कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी हो सकता है। ये जो हम नीचे दिखा रहे हैं यह है भूमि, धरती। ठीक है बच्चों, अब इस मीनार के ये जो बिंदु है धरती पर, इसे हम कहते हैं इस बिल्डिंग, इस मीनार का पाद बिंदु। इस पाद बिंदु से देखिए, इतनी दूरी पर एक और बिंदु है। इस बिंदु से यदि हम इस भवन या इमारत या मीनार के टॉप को देखें, शीर्ष को देखें, तो यह बिंदु भूमि के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इस कोण से यदि इसके शीर्ष को, इस बिल्डिंग के शीर्ष को, टॉप को देखेंगे, तो यह यहां से यह जो कोण बना रहा है यह है थीटा। बच्चों, यह जो कोण है इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। इनका प्रयोग हम इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए आप इनको ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब धरती पर किसी बिंदु से किसी भी बिल्डिंग, पेड़, इमारत, मीनार के टॉप का या किसी भी बिंदु का जो देखने पर यह धरती के साथ जो कोण बनेगा, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। और बच्चों, इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस प्रकार से मान लीजिए कि यह एक बिल्डिंग है। कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के यहां शिखर पर, यहां शीर्ष पर, या किसी बिल्डिंग की खिड़की पर इस प्रकार से बैठा है, और वह दूर धरती पर किसी एक बिंदु पर कोई वस्तु है, कोई चूहा बिल्ली है या कुछ भी, उसे देख रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो अब मैं बना रहा हूं, यह धरती के समांतर, धरती के पैरेलल एक हमने रेखा खींची है। ठीक है, यह धरती के समांतर है। तो यहां जो व्यक्ति बैठा है, जो इस बिंदु को देख रहा है, जो कि इस बिल्डिंग से थोड़ा दूर पर है, धरती के समांतर इस लाइन से, इस लाइन का ये जो कोण है, इसे हम कहते हैं अवनयन कोण। ठीक है बच्चों, इसे, इस थीटा, इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। और बच्चों, हमने पढ़ा है समांतर रेखाएं हैं, यह तिर्यक रेखा है, तो यह जो थीटा होगा यह इसके बराबर होगा, ये एकांतर अंतः कोण बन जाते हैं। तो हमने कभी ये नहीं लेना, लेकिन ये याद रखना कि यह जो अवनमन कोण था यह इस त्रिभुज बने के अंदर इस कोण के बराबर होता है। तो बच्चों, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या फर्क है? उन्नयन कोण होता है जब नीचे से ऊपर की ओर किसी बिंदु को देखें तो धरती के साथ बना हुआ कोण, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। अवनमन कोण होता है जब ऊपर बैठे हम नीचे किसी बिंदु को देखें तो धरती के समांतर एक रेखा के साथ बना कोण, वह कहलाता है अवनमन कोण। आशा करता हूं कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण अच्छे से समझ आए होंगे। बस इन कोणों के प्रयोग से ही हम, इन कोणों का प्रयोग करते हुए और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा, इनका प्रयोग करते हुए हमने यूनिट 9 करना है। आशा करता हूं कि आप पहले इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अच्छे से जानेंगे, इनको याद रखेंगे, फिर इस 9वें यूनिट को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे अगले वीडियोस में आप प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न देख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।